morning, all of you. पहले आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए. पिछली क्लास में मैं आपको ह्रस्व उ की मात्रा से बने शब्दों के बारे में पढ़ाई थी. आज मैं आपको दीर्घ उ की मात्रा से बने शब्द के बारे में बता रही हूँ. ठीक है, दीर्घ उ की मात्रा म प्लस य प्लस दीर्घ उ की मात्रा प्लस र क्या होगा. म य दीर्घ उ की मात्रा और र क्या होगा. मयूर. ख प्लस ज प्लस दीर्घ उ की मात्रा प्लस र क्या होगा. ख ज दीर्घ की मात्रा और र खजूर. ब प्लस दीर्घ की मात्रा और ढा क्या होगा. बूढ़ा. स प्लस दीर्घ की मात्रा प्लस र प्लस ज सूरज. ज प्लस दीर्घ की मात्रा प्लस ता क्या होगा. जूता. क्या म य दीर्घ की मात्रा र क्या होगा. म य और दीर्घ की मात्रा लगा के र मयूर. ख ज दीर्घ की मात्रा प्लस र ख ज दीर्घ की मात्रा लगाकर र खजूर. ब दीर्घ की मात्रा और ढ आकार क्या होगा. ब दीर्घ की मात्रा ढ आकार बूढ़ा. स दीर्घ की मात्रा प्लस र प्लस ज क्या होगा. सूरज. ठीक है, स दीर्घ की मात्रा र ज सूरज. ज दीर्घ की मात्रा त आकार क्या होगा. जूता. इसी तरह से मैं बनाने दे देती हूँ अभ्यास करने, आप लोग कर लीजिएगा. प्लस दीर्घ की मात्रा प्लस ल आकार. भ प्लस ल प्लस दीर्घ की मात्रा. प प्लस दीर्घ की मात्रा र ब.
प्लस देहु की मात्रा न म। स प्लस र देहु की मात्रा प्लस र प्लस त। ख अरसु की मात्रा श व देहु की मात्रा। म प्लस अलग स प्लस ह प्लस देहु की मात्रा प्लस र। आप लिख के अभ्यास कर लीजिएगा, जैसे मैं बताई हूं वैसे ही। ये शब्दों का अर्थ है, इसको याद करना है आप लोगों को। आग आग को क्या बोलते हैं? आकार अग्नि, आकाश का गगन, बाघ का उपवन, समुद्र का सागर, नारी तो स्त्री या औरत, कमल
काजू। कपड़ा वस्त्र। दिन दिवस। ये शब्दों का अर्थ है, आग का अग्नि अर्थ होता है, आकाश का गगन, बाघ का उपवन, समुद्र का सागर, नारी का स्त्री या औरत, कमल का पंकज, कपड़ा का वस्त्र, दिन का दिवस। ये आपका होमवर्क है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वो बनाने में जो दी थी वो बना लीजिएगा और ये याद करने में दी, ठीक है। अगली क्लास में मैं वह तो उपसर्ग पढ़ा दूंगी, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या है कुछ बता देती हूँ थोड़ा सा। उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो कि शब्द के आरंभ में मतलब शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे अगर क उपसर्ग को जैसे अ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना हो, ठीक है। उपसर्ग लगाकर शब्द बनावे, क्या उपसर्ग में किसी भी शब्द के शुरू में लग के उसका शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, ठीक है। जैसे जैसे अ प्लस नन क्या होगा, अनंत होगा ना, ऐसे अ के साथ अ प्लस नूज क्या होगा, अनुज। अ उपसर्ग लगा के इसमें अ लगाना, इसी तरह अ प्लस नुवाद क्या होगा, अनु वाह, ठीक है। तो इसी तरह मैं अगले क्लास में आपको उपसर्ग और प्रत्यय बता दूंगी। उपसर्ग में किसी भी शब्द के शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल देता है और प्रत्यय में बाद में जुड़कर शब्द के बाद में अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे जैसे वी शब्द लगा के, तो वी शब्द जोड़कर वी प्रत्यय जोड़कर शब्द बनावे, तो माया भी होगा। दिक ई प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए तो मायावती, शुरुआती लड़ाई, चतुराई, मिठाई, ये सब दीर्घ की मात्रा है, दीर्घ ई है, वह प्रत्यय है, वह शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ का मतलब अर्थ बदल देता है। तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। और उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे
उपसर्ग में प्रति उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए, ठीक है। तो प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिघात, ये सब उपसर्ग पहले लगा हुआ है ना। और अगर इसमें देंगे और प्रत्यय में तो मैं बता चुकी हूँ, एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए, तो मासिक कुम्हारिन, ये इन प्रत्यय जोड़ के कुम्हारिन होगा, मासिक दीर्घ ई लगा के, तो ईमानदारी, आस लगा के मिठास, आ लगा के भूखा, ता लगा के दयालुता, उदारता, इस ये लास्ट में लगता है प्रत्यय, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अब अगली क्लास में